हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे, सब भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, कितने बज रहे हैं देखो, दूर का नहीं दिखता है मुझे, 7:30 बज रहे हैं। और आज मंगलवार है और आज ही मेरा चश्मा देने के लिए बोला था उन्होंने, तो बस मैं उसी को उठाने जा रही हूँ, क्योंकि आ गए ऑफिस से, तो इनको लेके जाते हैं और चश्मा उठा के लाते हैं। थोड़ा मार्केट ले चलना ना, थोड़ा मार्केट ले चलना ना। मार्केट ले चलूं? मार्केट मार्केट ले नहीं, चलूं? थोड़ा तो मेरे को अपना झुमका झुमकी लेने हैं, बहुत दिन से नहीं ले यार, तुम दिलाते भी भगा लाते हो बाजार से। यार एक दिन में एक काम किया करो। अरे चश्मा बिना थोड़ा झुमकियों होता के क्या कि ओवर लिमिट काम कर लेती हो, थक जाती हो, पड़ी रहोगी उसके बाद। नहीं, चश्मा अच्छा नहीं लगेगा बिना उसके, इसके बिना कान में कुछ तो मैं चाहता ही नहीं अच्छा लगे, कान हाई लाइट होंगे मेरे, चाहता ही नहीं अच्छा लगे। और ये ले लिए मैंने फाइल, क्योंकि इसी को दिखाना होगा मुझे। पापा का और अयन की टी शर्ट ले लो, और पापा की ले लो, मम्मा का कलर, मम्मा इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऐसे कैसे जाते हैं, ऐसे कैसे जाते हैं, ऐसे कैसे जाओगे, जोकर बन जाओगे? आपने देखे पहन रखे, दूसरे में नहीं पहना है। पॉइंट वाला है ना, बदलने लगेगा क्या? ब्लास्ट हो जाएंगी। ब्लास्ट हो जाएंगी क्या? हाँ। एक बार तो लगा ही सकते हैं, मैं भी देखता हूँ इससे मैं। अरे मेरे को तो बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है, हवा कहाँ है, हवा दिखाई नहीं दे रही मुझे। तो बहुत गंदे लग रहे हो, सही बता। सही में नहीं, ऐसा मालूम है तुम्हारे मुंह से ऐसा क्यों निकला मालूम है? क्योंकि तुमने पहले अपना चेहरा देखा है शीशे में, फिर तुम ज्यादा ज्यादा नजरें तुम्हारी टिक नहीं पाई हैं, फिर उसको कवर करने के लिए तुमने मेरे ऊपर डाल दिया है। तो ऑब्वियसली तुम ज्यादा सोच रही थी ना, वो टेढ़ी नाक तुम्हारी दिख रही थी, तुम अच्छी नहीं दिख रही हो। ये देखिए कितने सुंदर एयरिंग्स लग रहे हैं ना, मैं इनको थोड़ा सा मार्केट ले आई वहां से फ्री होने के बाद में, और यहाँ पर सस्ते भी मिल जाते हैं। हाय, गुड नाइट, गुड नाइट। ये तितली है, तितली उड़ी बस में चढ़ी, सीट ना मिली, रोने लगी, ड्राइवर बोला आज मेरे पास तितली बोली है बदमाश। बढ़िया लग रहा है एकदम, तो ये हम नहीं कह पाएंगे। चश्मा लगाऊंगी ना तो मेरे कान हाईलाइट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने अभी ये ज्यादा बड़े काम करना। अब तुमने ये तो पहन ही, चश्मा भी लगाओगी हाँ। उड़ जाओगी फिर, उड़ जाना फिर क्या? क्योंकि फिर तुम्हारे पर लगे जाएंगे, उड़ना तो पड़ेगा ही तुम्हें, और हम भी चाहते ये सारे एयरिंग्स को प्लेट में सजा के रख गया है, कह रहा है काम की चीज है, और सारे निकाल के ऐसे सजा दिए हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ, रखा है वहाँ, छोड़ा है टेबल पे। ये मेरा नहीं है, ये उसी का है, कृष्णा वाले हैं ये। अच्छा, ये कान में चिपक जाते हैं जिसके होल भी नहीं, वो जो रो रहा था। हाँ, एक जोड़ी में ये लेके आई हूँ, झुमकी मल्टी कलर की है, ये देखिए जैसे लहंगा या साड़ी कुछ पहनो तो बहुत प्यारी लगेंगी। और एक जोड़ी ये है, और एक जोड़ी ये है, देख तुम क्या है। आपको क्या करना है, लाओ रख दे सब, उठा के लाओ, भाग गया लेके, भाग गया, भाग गया, भाग गया।
केवल डॉक्टर के यहाँ जाना था, मार्केट तो मैं इनको ज़बरदस्ती ले गई थी, तो वहाँ से आने में हो गया टाइम। और अभी खाना भी बनाना है, और सब्जी में रखा है करेला, ये छोटे वाले करेले रखे हैं, और सेम रखी है, तोरई रखी है, टमाटर, ये सब है, तो मैं तोरई बना ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी बीन्स की सब्जी रखी है दिन की। और करेला बनाऊँगी तो मुझे दाल बनानी होगी, दोनों चीज़ बनानी होगी, और सेम बनाऊँगी तो भी एक रसीली सब्जी बनानी होगी, तो मैं सोच रही हूँ तोरई बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्जी बना ले रही हूँ। चावल नंदिनी ने रख दिया है गैस पे पहले से, आटा भी लगा दिया है क्योंकि देर हो रही थी खाने के लिए, क्योंकि टाइम ही कितना रहता है आजकल, ऑफिस से आने के बाद इनके मार्केट गए हैं तो एक डेढ़ घंटे तो लग ही जाते हैं जब जाओ, क्योंकि शाम के टाइम में ट्रैफिक भी बहुत रहता है, तो इसलिए जल्दी से सब्जी बना ले रही हूँ। और तोरी की सब्जी तो वैसे भी जल्दी पक जाती है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो मैं यहाँ टमाटर वगैरह डाल के हल्की सी वैसी बनाऊँगी, गाढ़ी सी बनाऊँगी, मतलब रसीली ना सूखी, क्योंकि चावल बनाया है और बिना चावल के खाएँगे नहीं, तो बीच की सब्जी बनानी होती है, ना सूखी ना रसीली। और यहाँ पर बना ले रही हूँ मैं थोड़ी सी रोटियाँ। और किसी ने मुझसे कहा था कि दी आप ना इकट्ठी दो तीन रोटी तवे में नहीं डाली जाती, एक के ऊपर एक रोटी नहीं डाली जाती है, तो मैंने कहा छोड़ो मैं अलग अलग बनाया करूँगी। आ जाइए खाना खा लेते हैं, खाना सबका मैंने लगा दिया है। हो गया है हमारा डिनर, और साथ में टीवी, तो टीवी में चल रही है सीरीज फैमिली मैन, सेशन 2 चल रहा है, सेशन 1 पूरा देख लिया है। और जब मैं बाहर गई थी तभी ये गुड नाइट के दोनों के लिक्विड ख़त्म हो गए थे, इस कमरे का भी और उस वाले कमरे का भी, तो मैं मार्केट से लेती हुई आई थी, तो मैं सब दोनों के ही चेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर रात में मच्छर आते हैं, क्योंकि ठंड होती नहीं है, ठंड हो तो फिर मच्छर नहीं आए, तो यहाँ भी लगा दिया अंदर कमरे में, और यहाँ नंदिनी वाले कमरे में भी, दोनों कमरे में लगा दिया, क्योंकि दोनों एक साथ लगाए थे तो एक साथ ही ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पर ये आयान के कपड़े तय करके रख दिए, इसी में नंदिनी भी, नंदिनी के भी एक आध रखे हैं, और इसके भी मैं यहीं रख देती हूँ, क्योंकि अलमारी में बहुत फैलते थे, तो मैं इसमें तय करके रखने लगी हूँ, क्योंकि कई बार चेंज करने होते हैं, कई रखने होते हैं। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा दूध गर्म करूँगी, क्योंकि दही जमाना है, और दही मैं थोड़ा सा ही जमाऊँगी आज, क्योंकि दूध ज़्यादा नहीं बचा है, तो थोड़ा सा मतलब जमा ज़रूर देती हूँ, भले ही थोड़ा सा जमाऊँ, क्योंकि कभी कभी ये मांगने लगते हैं या कुछ बनाने का मन है तो इसलिए। और यहाँ पर मैंने साथ में मलाई भी निकाल दी है दूध की, ये देखिए ये एक हफ्ते की होने जा रही है मलाई, तो ये पहले ही निकाल के रख दिए मैंने। और उसके बाद हल्का सा दूध गुनगुना कर लिया है, क्योंकि गुनगुना दूध ही जमाते हैं, तो मैं यहाँ पे दूध गुनगुना करके और उसमें छोटी इस वाले कटोरे में जमाऊँगी, तो एक चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने दही डाल दिया, उसको ऐसे फैला दिया है, और ऊपर से इसमें दूध भर के और ढक के रख देंगे, तो सुबह तक ये जम जाएगा। आज मैंने चश्मा लगा के टीवी देखी है, और मैं आप लोगों को बताऊं, मैं सोफे में इधर बैठी थी और इधर से भी मैं आराम से टीवी देख ले रही थी, पढ़ ले रही थी सारे जितने भी लेटर लिखे हुए आ रहे थे, जो नीचे लिखे आते हैं ना लेटर, वो पहले मैं पढ़ नहीं पाती थी, आज मैं पूरे क्लियर पढ़ रही थी, तो मुझे इतनी खुशी हो रही ना, पहले मैं इतना जोर डालती थी कुछ नहीं दिखता था, मुझे धुंधला धुंधला दिखता था। फिर से 18 साल की फीलिंग आ गई, अरे मैं तो 18 साल की हो गई। ये अयान का चश्मा है, अयान अयान ये किसका चश्मा है, इसने इसकी हालत ऐसे कर दी है, इनफेक्ट ये देखिए, ये अयान जब भी लगाता है ना इसको, तो ये यहाँ से ऐसे नहीं बोलता, ऐसे कर देता है, फिर ऐसे लगाता है, फिर ये ऐसे फिट होता है, वो भाई का स्टाइल है। क्या है कि यहाँ से टूट गया है, और वही रीजन है कि इसको मैं भी लगा सकता हूँ। अयान मतलब आपके बारे में कितना सोचता है यार, वो भाई का, अगर वो तोड़ता नहीं ना तो मैं लगा नहीं पाता, ऐसे जोड़ता नहीं। और अभी रात में चेंज वेंज करने के बाद मैं जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने बेसन से, क्योंकि हम एक आध दिन अभी घूमने उमने भी गए थे, और जब चेहरे में धूल मिट्टी थोड़ी सी इकट्ठी हो जाती है तब फेस वॉश उतना काम नहीं करता है, और बेसन एक नेचुरल स्क्रब का काम करता है, इसमें कुछ लोग हल्दी भी मिला लेते हैं, मैं सिंपल बेसन से ही धो लेती हूँ। और बस उसके बाद मैं लगाऊँगी ग्लिसरीन, ग्लिसरीन में गुलाब जल मैंने मिला के रखा है, तो वो लगाऊँगी, उससे चेहरा ना काफ़ी स्मूथ रहता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। टूट गया है।
किसने तोड़ा है? अयान ऊपर चढ़ता था, टूट गया है। अच्छा, हेलो गुड मॉर्निंग, और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, और ये देखिए कल मैंने लगाया ना चश्मा, तो ये आंख में मेरी दिक्कत हो रही है, इसमें से पानी भी आ रहा है और थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है, दर्द सा लग रहा है, तो देखते हो सकता है एक दो दिन में सही हो जाए, स्टार्टिंग में हो रहा हो। चलो अयान, टीचर आ गई आपकी। मैडम के आने के बाद तो ऐसे भाग रहा है, मतलब कोई और आया होगा तो इतनी जल्दी गेट खोलने नहीं जाता है, मैडम के आने के बाद तुरंत लॉक खोलने भागा है, मतलब बहुत पहले से इंतजार कर रहा होता है, भले ही पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने में इतना गोलमोल नहीं है, लेकिन इंतजार बहुत करता है, और उसके बाद जितने भी अपने कॉपी किताब गृहस्थी है सब कुछ ला के मैडम के पास रख देगा। वैसे तो इनके पढ़ने के टाइम में कोई वीडियो शूट नहीं करती हूँ, जब ये पढ़ने लगेगा तो नहीं, बस बहुत सारे लोग कॉमेंट करके पूछ रहे थे कि दी अयान कैसे पढ़ता है, क्या कर रहा है, टीचर आती तो कैसे पढ़ाई करता है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं कि इसके नाटक क्या चल रहे हैं जब से इसने पढ़ाई चालू की है। मैडम जिससे बिजी हो जाए तो सारा सामान ला के उनके पास रख दिया, और फिर बहानेबाजी बनाता है, पेट दर्द हो रहा है, प्यास लगी है, मुझे पैर में दर्द हो रहा है, ये बहाने होते हैं। वो पेंसिल से दिखाओ। अम्मा कहाँ है? अम्मा हाथ से दिखाना, हाथ से, हाथ से। दर्द हो रहा है? थक गए हो क्या काम करके? यहाँ पे बैठो। पानी आयान। तो इनकी चालू हो गई है पढ़ाई, अब हम इन्हें नहीं करेंगे डिस्टर्ब, और वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस मिलते रहें, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। ये देखिए चल रही है पढ़ाई।